हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू फैनफिक्शन बिलोना डैडी एंड ही शुगर बेबी बॉय। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी मॉम डैड को देखकर। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, तुम्हें अच्छा लगा ना अपनी मॉम डैड से बात करके। जंगकुक बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा, आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया। त्यांग बोलते हैं, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो और तुम्हारे मॉम डैड भी, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड आज से मेरे भी मॉम डैड है। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहे हो। त्यांग बोलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो और मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने इससे पहले कभी नहीं मुस्कुराया है, लेकिन जब से तुम मेरे साथ रहने लगे हो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जंगकुक, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, ठीक है। मुझे तुम्हारे साथ हर एक पल बहुत ही खास लगता है। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। त्यांग जंगकुक के करीब जाने लगते हैं और बोलते हैं, क्या अच्छा नहीं लग रहा है जंगकुक, क्या तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं आ रहा है। और ये बोलकर जंगकुक की फेस पर टच करते हैं और बोलते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हें टच करते हुए, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है जंगकुक। जंगकुक कुछ नहीं बोलते हैं। जंगकुक थोड़ा सा शाई फील कर रहा था और जैसे ही त्यांग उसके और भी ज़्यादा क्लोज जा रहे थे, जंगकुक उसकी फेस रेड हो चुके थे। त्यांग जंगकुक की टी शर्ट के अंदर हाथ डालते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरा टच अभी भी पसंद नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें ये टच बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज हो गए थे। त्यांग को ऐसा लगता है कि वो अनकम्फर्टेबल फील करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जंगकुक को तो बुरा भी नहीं लग रहा था, उसके हार्ट बीट तेज़ हो गए थे। जंगकुक की हार्ट बीट सुनकर त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हारा हार्ट बीट इतना तेज़ क्यों हो गए है, क्या तुम मेरे टच को एंजॉय करने लगे हो। जंगकुक और जंगकुक को अपनी ओर खींच लेते हैं। अब त्यांग और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। जंगकुक बोलते हैं, क्या कर रहे हो आप, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल तो कुछ और ही बोल रहा है और तुम सिर्फ मुझसे ही बोल रहे हो तुम्हें छोड़ने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा शरीर कुछ और ही चाहते हैं, क्या तुम इसको एंजॉय नहीं करना चाहते हो। जंगकुक, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अब ये सब कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मुझे लगता है तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। त्यांग बोलता है, ठीक है अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए और उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। ये बोलते हैं त्यांग जंगकुक की होठों की तरफ देखते हैं और उसके होठों पे अपने फिंगर से स्लाइड करते हुए बोलते हैं, बेबी बॉय तुम मुझे ऐसे ही तड़पाने वाले हो क्या, मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन लगता है तुम मुझे तड़पाने वाले हो। ठीक है तुम जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो और मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ, और जब तुम्हारा मन हो तुम मेरे कमरे में आ सकते हो। जंगकुक बोलते हैं, क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए हो। त्यांग बोलते, नहीं मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, तुम हो ही इतना ज़्यादा हैंडसम और हॉट भी, तुमसे कोई कैसे नाराज़ हो सकता है, मैं तो नहीं हो सकता हूँ, तुम तो मेरे एंजल हो, तुम मेरे लाइफ में बिल्कुल एंजल की तरह हो, जब से मेरे लाइफ में आए हो मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ है। जंगकुक बोलते, क्या आप मुझे पाकर इतना ज़्यादा खुश हो। त्यांग जंगकुक के बालों में हाथ को सहलाते हुए बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं तुम्हें पाकर, लेकिन लगता है तुम मुझे पाकर खुश नहीं हो, और अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम टाइम ले सकते हो, लेकिन इतना भी टाइम मत लेना कि मैं पागल हो जाऊँ, ठीक है। और ये बोलकर त्यांग अपने कमरे में जाने लगते हैं। जंगकुक उसको बुलाने ही वाले थे लेकिन वो रुक जाते हैं और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। जंगकुक शावर लेने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं और वो बहुत ही शौक हो जाते हैं, इतना बड़ा वॉशरूम उसने पहले कभी नहीं देखा है। नहाने के टाइम पे जंगकुक अपनी बॉडी को मिरर में देख रहा था और अपनी बॉडी को टच कर रहे थे, और त्यांग ने जैसे उसको टच किया था वो उसको याद आ जाते हैं। अब वो थोड़ा सा शाई हो जाते हैं और वो टावल पहन के बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो टावल पहन के बाहर निकलते हैं त्यांग कमरे के अंदर आ गए थे, वो बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक त्यांग को देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे अभी जाकर कपड़े पहन लेना चाहिए, आप थोड़ी देर बाद में आ जाइएगा। त्यांग बोलते हैं, आप तुम इतना शाई फील क्यों कर रहे हो, और ऐसे भी मुझसे तुम्हें क्या शर्माना, देखो तुम्हारे बाल गीले हैं, तुम्हारी बॉडी से पानी गिर रहे हैं
और पैर भी दिख रहे हैं। तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो। जॉनकुक, अगर तुम मेरे सामने ऐसे ही आ जाओगे तो मैं खुद को तुमसे कैसे दूर रख पाऊँगा। क्या तुम मुझे सीड्यूस करना चाहते हो जॉनकुक? क्या तुम जानबूझ के बाहर ऐसे आ गए हो? जॉनकुक बोलते हैं, मुझे पता नहीं था कि आप कमरे में आए हुए हो, वरना मैं ऐसे कभी नहीं निकलता। आगे से मैं ध्यान रखूँगा। त्यांग जॉनकुक की हैंड पकड़ के उसको अपनी लैंप पर बैठाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? और ऐसे भी तुम सच में बहुत हॉट लग रहे हो, अब ऐसे तुमसे दूर रहना तो मुश्किल है ना। तुम ऐसे ही मेरे सामने आ जाओगे तो मैं कब तक तुमसे खुद को दूर रख पाऊँगा? ये बोलते हुए त्यांग जॉनकुक की लैंप पर अपने हाथों से सहला रहे थे। जॉनकुक हॉट फील कर रहा था और उसकी फेस पूरी रेड हो चुके थे। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ, अब तुम शाई फील क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। जॉनकुक बोलते हैं, नहीं बस ऐसे ही, वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे। त्यांग बोलते हैं, अब चलो भी, तुम अपनी शाइनेस को क्यों छुपा रहे हो? मुझे तो तुम्हारी शाइनेस बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसे भी तुम बहुत हॉट लग रहे हो। मुझे तो और भी बहुत कुछ टच करना है, लेकिन तुम मुझे परमिशन नहीं दे रहे हो, मैं क्या करूँ? मेरा तो बहुत कुछ करने का मन है, अब मैं खुद को बहुत ही मुश्किल से रोक के रखा है। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ऐसे कब तक चलेगा जॉनकुक? क्या तुम मुझे ऐसे ही तड़पाने वाले हो? बेबी ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। सुलो सुलोली त्यांग अपनी हैंड को जॉनकुक के प्राइवेट पार्ट तक लेकर जाते हैं। जैसे वो टच करने ही वाले थे, जॉनकुक उसकी लैंप से उठ जाते हैं और बोलते हैं, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अगर कहना है तो कुछ देर बाद बोल देना। त्यांग बोलते हैं, तुम तो डर गए, मैं तो ऐसे भी कुछ नहीं करने वाला था, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था तुम क्या करते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ नहीं करूँगा, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तुम भूल गए हो क्या, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या जॉनकुक? जॉनकुक बोलते हैं, हाँ लगी है, अभी आता हूँ। त्यांग बोलते हैं, ठीक है, मैं हॉल में जाकर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। और जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है। जॉनकुक को ऐसा लगता है त्यांग नीचे चला गया है, लेकिन वो दरवाजे के सामने ही खड़ा था। जॉनकुक कपड़े पहन रहे थे। त्यांग दरवाजे के सामने से जॉनकुक को घूर रहा था। त्यांग से गलती से आवाज़ हो जाते हैं दरवाजे पे। जॉनकुक नोटिस करते हैं कि त्यांग अभी भी यहीं पे है। आप बोलते, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो यहाँ से चले गए थे ना। त्यांग बोलते हैं, मैं यहाँ से जा ही रहा था, मुझे लगा कि तुम्हें साथ में लेकर चलता हूँ, इसलिए मैं रुक गया, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं रहा था। जॉनकुक बोलते हैं, हाँ मैं तैयार हो गया हूँ, चलिए चलते हैं। तो फिर जॉनकुक और त्यांग साथ में खाना खाते हैं। अचानक त्यांग को कॉल आ जाते हैं जिमिन का। जिमिन बोलते हैं, त्यांग मैंने सुना है तुम जॉनकुक के साथ रहने लगे हो। त्यांग बोलते हैं, हाँ तो तुम मुझसे मिलने के लिए कब आने वाले हो? जिमिन बोलते हैं, तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या बोल रहे हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम तो मुझे अभी पसंद भी नहीं करते होंगे क्योंकि तुम्हारे पास जॉनकुक जो है। त्यांग बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम तो मेरे सोलमेट हो, तुम्हारी वजह से तो मैं जॉनकुक से मिल पाया, मैं बहुत खुश हूँ जिमिन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आ जाओ और हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे, ठीक है, पार्टी भी करेंगे। जिमिन बोलते हैं, क्या तुम इतना ज़्यादा खुश हो उसके साथ? त्यांग बोलते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा। तुम योंगी के साथ कितना खुश हो? उससे भी बहुत ज़्यादा मैं खुश जॉनकुक के साथ हूँ, और जॉनकुक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हाँ उसको अभी तक समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे खुश कैसे करे। जिमिन बोलते हैं, क्या मतलब, क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो त्यांग? त्यांग बोलते हैं, क्या प्यार? जिमिन बोलते हैं, हाँ प्यार, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो? त्यांग बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि प्यार है या क्या है, लेकिन मुझे जॉनकुक के साथ अच्छा लगता है, वो जब मेरे आसपास रहते हैं मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। और क्या जिमिन, तुम मेरी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे घर नहीं आओगे? आज रात को मैं एक पार्टी करने वाला हूँ, तुम योंगी को लेकर आ जाना, ठीक है, और मैं जीहोप को भी कॉल करके बोल दूँगा। जिमिन बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम खुश हो, इतने दिनों बाद तुम अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है तो मुझे अच्छा लगा, चाहे वो कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन त्यांग हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए और न ही तुम्हें, तुम हमेशा जैसे खुश रहना चाहते हो वैसे रह सकते हो। तुमसे कोई भी प्यार करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन तुम उससे प्यार करते हो या नहीं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्यांग बोलते हैं,
अब तुम इतने सारे क्वेश्चन मत करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अब मैं और जंगकुक साथ में खाना खा रहे हैं और खाने के टाइम पे इतना बात नहीं करते हैं। अब चलो ठीक है, फ़ोन रखता हूँ और शाम को आ जाना। जिमिन बोलते हैं हाँ ठीक है, तो वो फ़ोन रख देते हैं और जंगकुक बोलते हैं क्या हुआ, आज शाम को पार्टी करने वाले हो आप? त्यांग बोलते हैं हाँ, तुम्हारी खुशी में मैं पार्टी करना चाहता हूँ, क्या तुम किसी को बुलाना चाहते हो? जंगकुक बोलते हैं हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी हूँ और अपनी एक फ्रेंड है, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, वो तीनों आ जाएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, वो तीनों बहुत अच्छे हैं। त्यांग बोलते हैं मैं दो को तो जानता हूँ, आर्यम और जिन की बात कर रहे हो तुम, लेकिन ये तीसरा कौन है? जंगकुक बोलते हैं वो तीसरा कोई और नहीं, मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, हम दोनों साथ में ही पढ़ते हैं। त्यांग बोलते हैं तो फिर तो मुझे उससे मिलना ही होगा, वो कौन है, कैसा दिखता है, हैंडसम है क्या? जंगकुक बोलते हैं क्या मतलब, वो हैंडसम है या नहीं? हाँ वो हैंडसम तो है। त्यांग बोलते हैं वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है क्या? जंगकुक कुछ नहीं बोलते हैं। त्यांग बोलते मैं समझ गया, शायद वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। जंगकुक बोलते नहीं। त्यांग बोलते क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। जंगकुक बोलते मैंने कहा कि वो आपसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं है। त्यांग बोलते इसका क्या मतलब हुआ? जंगकुक बोलते कुछ नहीं, और वो खाना खाना शुरू करते हैं। त्यांग उसकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें बोलना ही होगा, क्योंकि तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा, किसी और के साथ नहीं। तो फिर जंगकुक अपनी दोस्त और अपनी ह्यूंग को पार्टी पे बुलाने के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। त्यांग बोलते मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। जंगकुक बोलते कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। त्यांग बोलते अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर जाना चाहते हो तो ठीक है, वो लोग तो पार्टी पे ऐसे भी आ जाएगा, मैं उन लोगों से मिल लूँगा। जंगकुक बोलते हैं तो फिर क्या मैं जा सकता हूँ? त्यांग बोलते नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हारे साथ कुछ बॉडीगार्ड जाएंगे। जंगकुक बोलते लेकिन क्यों, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो मेरे साथ बॉडीगार्ड जाएगा। जंगकुक को त्यांग बोलते हैं मैंने तुमसे कहा था तुम अब ऐसे नहीं चल सकते हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और तुम्हें कहीं पर भी जाने से पहले मुझे पूछना होगा, और मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ तो तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड तो जाएंगे ही, अब तुम इसको लेकर आर्गुमेंट करना शुरू मत कर देना। जंगकुक बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद जंगकुक अपनी ह्यूंग से मिलने के लिए जाते हैं। आर्यम और जिन जंगकुक को देखकर बहुत शौक हो जाते हैं। आर्यम खुश होकर जंगकुक को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें इस तरह से देखकर बहुत खुश हूँ, तुम्हारे कपड़े इतना महंगा है, तुम्हारे जॉब बहुत अच्छे चल रहा होगा, तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा है ना? जिन बोलते हैं तुम मुझे पहले यही बताओ तुम क्या जॉब कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे बॉस ने इतना महंगा कपड़े खरीद दिया है तुम्हें। जंगकुक बोलते हैं वो मैं अभी तक काम शुरू नहीं किया है, मेरे बॉस ने कहा मैं धीरे धीरे समझ जाऊँगा, और मेरे बॉस बहुत ही फोर्सफुली मुझे एक कपड़े खरीद कर दिया है और मुझे ये पहनने के लिए कहा, उन्होंने कहा मुझे ये पहनना पड़ेगा। आर्यम बोलते हैं जिन तुम उसको इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, अगर उसकी बॉस उसको इतना अच्छे कपड़े खरीद कर देते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जिन बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे उसको लेकर टेंशन हो रहा है कि कौन सी जॉब में एक दो दिन में ही इतना महंगे कपड़े खरीद दिया जाते हैं, मुझे लगता है जंगकुक बुरी तरह से फंसने वाले हैं। आर्यम बोलते हैं तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो, तुम हमेशा दिमाग से सोचते हो दिल से नहीं, शायद उसके बॉस बहुत ही अच्छा होगा इसलिए उसको इतने अच्छे और महंगे कपड़े खरीद दिया है, जैसा कि हम दोनों उसके बारे में सोच रहे थे। जंगकुक मैंने तुम्हारे लिए एक कपड़े खरीदा था, मैंने सोचा था तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम तो बहुत ही महंगे कपड़े पहनकर आए हो, अब तो मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है कि मैं उसको कैसे तुम्हें दूँ। जंगकुक बोलते हैं किसने कहा मुझे पसंद नहीं आएगा, आप मेरे लिए कपड़े खरीदा है लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? आर्यम बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीद सकता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो और मैं चाहता हूँ तुम इस कपड़े को पहनो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जंगकुक बोलते हैं ठीक है, आज मेरे घर में पार्टी है, मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे बॉस ने कहा आप सबको बुलाने के लिए, तो मैं आप लोगों को बोलने के लिए आया हूँ, क्या आप लोग पार्टी में नहीं आने वाले हो? आर्यम बोलते हैं क्यों नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। जिन बोलते हैं हाँ आ जाएंगे। आर्यम बोलते हैं जंगकुक मैं चाहता हूँ तुम इस सूट को इस पार्टी में पहनो, क्या तुम आज पहनने वाले हो? तो जंगकुक बोलते हैं हाँ पहन लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो खुशी से पहन लूँगा, मुझे बहुत पसंद आया। आर्यम खुश हो जाते हैं। जिन बोलते हैं मुझे नहीं लगता है आज जंगकुक इस पार्टी में इस कपड़े को पहन पाएगा। आर्यम बोलते हैं अब बस भी करो, तुम ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो, जंगकुक ने कहा ना कि वो इस पार्टी पे इस सूट को पहनेगा तो वो पहनेगा। जिन बोलते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ शायद उसके बॉस पहले से उसके लिए सूट
टीजेट करके रखा होगा कि जॉनकुक जॉनकुक बोलते हैं, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। जॉनकुक इन दोनों को बाय बोलते हुए यूनो के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं। जैसे यूनो के घर पे जाते हैं, यूनो जॉनकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए, क्या तुम अमीर बन गए हो, क्या क्या तुम्हें लॉटरी लग गए है। जॉनकुक बोलते हैं, अब तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, लेकिन कुछ ऐसा ही है, अब मैं जहाँ पर रहता हूँ वो बॉस बहुत ही अच्छा है और उन्होंने एक पार्टी रखा है, मैं चाहता हूँ तुम उस पार्टी में आ जाओ क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। यूनो जॉनकुक को बोलते हैं, क्या तुम मुझे दोस्त बोल रहे हो, मुझे तो लगा तुम मुझे दोस्त नहीं कहोगे। जॉनकुक बोलते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो। यूनो बोलते हैं, तुम अब अमीर बन गए हो ना इसलिए। जॉनकुक बोलते हैं, कभी नहीं ऐसा होगा, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त हमेशा रहोगे। यूनो बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा सुनकर, मैं पार्टी में आ जाऊँगा। जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है तो मैं चलता हूँ। उसके बाद वो त्यांग से मिलने के लिए मेंशन चले आते हैं। त्यांग जैसे ही जॉनकुक को देखते हैं बोलते हैं, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो और अभी मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसको देखकर तुम और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे। जॉनकुक बोलते हैं, क्या दिखाने वाले हो। त्यांग जॉनकुक को लेकर जाते हैं और बोलते हैं, देखो, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर एक सूट दिखाते हैं और जॉनकुक बोलते हैं, ये किसका है। त्यांग बोलते हैं, ये तुम्हारा है, ये तुम आज पार्टी पे पहनने वाले हो, मैंने डिसाइड कर लिया है और तुम इसमें बहुत ही हैंडसम लगोगे। इससे पहले कि जॉनकुक और कुछ बोलता, त्यांग बोलते हैं, फाइनल है, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, सो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।